कर्नाटक राज्य का दूसरा बड़ा शहर मैंगलोर कई प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज के लिए जाना जाता है। हर साल देश के कोने कोने से कई बच्चे यहाँ ऊंची शिक्षा और एक बेहतर जिंदगी का सपना लिए आते हैं। ये सच्ची घटना इसी शहर के एक जाने माने मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की है, जहाँ की एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट नेहा परांजपे को उसके हॉस्टल रूम से अधमरी हालत में तब निकाला गया जब वो ऑलरेडी अपने आधे से ज्यादा हाथ को चबा चुकी थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के एक नेशनलाइज्ड बैंक में काम करने वाले आनंद परांजपे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना लिए वो इस शहर में भेज रहे थे, वही नेहा एक दिन इस हालत में पहुंच जाएगी कि इस शहर का बड़े से बड़ा डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाएगा। से रखना, तुम्हारे खाने पीने का सामान इस बैग में है और कपड़े किताबें इस सूटकेस में है और इस सूटकेस की चाबी मेरे हैंडबैग में है ना आई? हाँ। क्या आई, कितनी बार बताओगी, कितनी चिंता करती हो आप। चिंता करने दे बेटा, अगर तेरी आई तेरी चिंता नहीं करेगी तो मुझे इसकी चिंता होगी। हाँ हाँ, उड़ा लो दोनों मेरा मजाक, लेकिन सच बात तो ये है कि तुम दोनों का मेरे सिवाय कुछ नहीं हो सकता। मालूम है हमें आई। पापा आप रो रहे? नहीं पगली, आज तो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। तुम इतने बड़े कॉलेज में डॉक्टर बनने जा रही हो, मैं भला क्यों रोऊंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। हाँ एक मिनट, ये लो। पापा ये एटीएम कार्ड, इसका मैं क्या करूंगी? आपने ऑलरेडी डोनेशन के लिए लोन लिया है, ये आप अपने पास ही रखिए। बेटा नया शहर है और तुम यहाँ अकेली हो, कुछ पैसे पास में होने चाहिए ना। हाँ देखो, खर्चे की हो ना और लोन की तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम यहाँ पढ़ने के लिए आई हो और मन लगा के पढ़ना, लो रखो। अपना ध्यान रखना, तुम भी। वो दिन मैं कभी भुला नहीं सकती, नेहा जब कॉलेज के गेट से अंदर जा रही थी, मैं और उसके बाबा, हम दोनों बहुत देर तक वहीं खड़े रहे। हम दोनों बहुत खुश थे, हमारी नेहा अपने सपने पूरे करने जा रही थी। लेकिन हमें क्या पता था कि उसके सपनों की नई दुनिया उसे हमसे इतना दूर ले जाएगी। Come on, he's dying. AR, do I say mouth to mouth? Come on, do it. AR, do I say mouth to mouth? I said mouth to mouth. क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है? AR देना, वरना ये लोग जाने नहीं देंगे. Mouth to mouth, mouth to mouth. Come on. Mouth to mouth, mouth to mouth. Come on. चल यार विक्रम, छोड़. देख, तू विषय मत बोल, समझा? अबे देख, जूनियर. बस यार, और रैगिंग नहीं. अबे इतनी खूबसूरत लड़की की रैगिंग कौन कर रहा है? पर इंट्रोडक्शन तो बनता है ना। हे यू, राइट सलवार कमीज,
Yes, you. Come here. आपका नाम? मिस रेड शलवार कमी। अभी अभी आपने इसी नाम से बुलाया था ना मुझे, मिस्टर ब्लैक जैकेट। एटीट्यूड, इंजीनियरिंग या मेडिकल? मेडिकल। तो डॉक्टर साहिबा, नेम द थ्री काइंड्स ऑफ ट्यूमर। कॉलेज में ना एक बड़ी सी लाइब्रेरी है, वहां जाइए और ट्यूमर की किताब के साथ साथ एक और चीज भी पढ़िएगा, न्यूज़पेपर। क्योंकि शायद आपको पता नहीं है कि रैगिंग इज बैंड और मेरी एक कंप्लेंट से आप इसी वक्त इस कॉलेज से बाहर हो सकते हैं। गॉट इट? बहुत हंसी आ रही है तुझे? अरे यार, अब हंसू नहीं तो क्या करूं? तू जूनियर से ऐसे बात करेगा तो उम्मीद क्या करता है, वो तुझे चॉकलेट खिलाएगी? लगता है इस जूनियर को सबक सिखाना ही होगा। ऐसी लड़की के लिए एक ही सबक, 302। Excuse me. Hi, I'm Shruti. First year. Hi, Neha. वो actually वार्डन सर ने मुझे तुम्हारे पीछे भेजा है। रूम अलॉटमेंट में कुछ मिस्टेक हो गई है। तुम्हारे कीज ये है, रूम नंबर 302। थैंक यू, इट्स ओके, दैट वे। कहीं भी कोई तुम्हारी रैक करे तो कह देना तुम विक्रम की दोस्त हो। थैंक यू। अब पता चलेगा विक्रम से उलझने का नतीजा।
हो आई रूम चांगला अब हॉस्टल है तो घर के जैसे साफ थोड़ी होगा हॉस्टल वाले भी ना फीस के इतने पैसे लेते और रूम के नाम पे क्या कबाड़ खाना चले तो पापा मेरे आई पापा का ध्यान रखना मेरे बिना कभी रहे नहीं ना इसलिए फोटो कैसे गिरी शायद मैंने ही ठीक से नहीं रखी अगले दिन नेहा के माँ बाप ने उसका हालचाल पूछने के लिए फोन किया। नेहा ने बताया कि उसे रात भर नींद नहीं आई। क्या हुआ नेहा? कल रात ठीक से सोई नहीं क्या? Kind of. वो शायद नई जगह है इसलिए। सिर्फ नई जगह है इसलिए कि कुछ और बात है? तू इतनी डरी हुई सी क्यों लग रही है? नहीं तो वो बस रूम थोड़ा अजीब सा है 302 क्या 302 डोंट यू नो इट्स हॉन्टेड रूम हॉन्टेड कम ऑन आबा डोंट टेल मी कि तू मेडिकल की स्टूडेंट हो कि ये हॉन्टेड वांटेड जैसी चीजें मानती है अरे ये भूत प्रेत ये कुछ नहीं होता है सिर्फ एक वहम है समझी आभा ने विक्रम के कहने पर नेहा को डराने की कोशिश की ऑल ही वॉन्टेड टू डू वॉज टू बिल्ड अप साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना बड़ा मजाक वो नेहा को सबक सिखाने के लिए कर रहा था पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनके साथ गलती से भी मजाक नहीं करना चाहिए विक्रम मैंने उसे डराने की बहुत कोशिश की पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा भूत ऊत में बिलीव ही नहीं करती वो ठीक है उसे एक रात और रहने देते हैं और फिर हम सब भूतिया मास्क पहनकर 302 में जाएंगे उसे डराने के लिए व्हाट्स इट गाइस व्हाट्स इट ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग अब तुम लोग जानते भी हो कि इतने सालों से 302 बंद क्यों है वरुणा मैम का नाम सुना है अरे मेट्रेन थी इस हॉस्टल की सबसे स्ट्रिक्ट मेट्रेन 302 उन्हीं का कमरा था और वो इसी कमरे में तड़प तड़प कर मरी थी और तभी से
वो कमरा बंद है और उसी कमरे में उनकी आत्मा कैद है और रूम खुलने पर वो आत्मा बाहर आ जाएगी और वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। बना लो। जितना मजाक बनाना है ना बना लो, पर मैं अभी जाकर डीन साहब को पूरा रिपोर्ट दूंगा, वही तुम्हें बताएंगे कि वो रूम क्यों बंद है। मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, उनकी बात तो मानोगे कि नहीं? तुमने कुछ नहीं सुना और तुम कुछ नहीं जानते, जैसे इतने सालों तक तुम उस रूम के आसपास नहीं फटके, आज भी मत फटक। सॉरी पापा, मेरी वजह से आपका फ्रेम टूट गया, लेकिन प्रॉमिस इस वीकेंड ना मैं आपके लिए नया फ्रेम जरूर ला के रहूंगी। Other than the five senses, the human brain is said to have a sixth sense.
रात गए किधर से? पिक्चर। एंट्री फीस समझ के रख लो। कौन है भाई? I'm Inspector Nayak, in charge of this case. मुझे कुछ इंक्वायरी करनी है और लाश को सबसे पहले तुमने देखी थी? जी सर, सुबह पोछा मारते वक्त। आखिरी बार कल शाम को देखा था सर, क्या ना कल मैं जल्दी सोने चला गया था। सर, मौत रात के 1 बजे के बाद हुई है। कॉन्स्टेबल, पता लगाओ आखिरी बार इसे किसने देखा था। सर्च द एंटायर हॉस्टल। आप लोग मेरे साथ चलिए। रात तुम लोग कहां थे? सर, वो सर कल रात हम लाश शो मूवी गए थे। तो लौटते वक्त तुमको वॉचमैन ने नहीं देखा? देखा था सर। तो जब मैंने अनाउंस किया कि आखिरी बार वॉचमैन को किसने देखा, तो तुम लोगों ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? ये वहां क्या है? उस सेक्शन को जाने दीजिए सर, वो सालों से बंद पड़ा है। तो अंदर से बंद है, लगता है कुछ गड़बड़ है। हम सच कह रहे हैं सर, हमने बस वॉचमैन को थोड़े से पैसे दिए थे अंदर आने के लिए और कुछ नहीं किया सर। सर, रूम नंबर 302 में कुछ गड़बड़ है। किधर है? सर, इधर।
आपकी एम्बुलेंस अभी तक पहुंची क्यों नहीं है? हाँ जल्दी भेजिए। ये वो कमरा। यस सर। तोड़ दो इसको। कॉन्स्टेबल को भेजो। कौन होते? कौन? आज मैं नानू कटे। उठाओ इनको। मेरी आज तक की अपनी सर्विस में मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स को देखा है, रेपिस्ट को देखा है, सीरियल किलर्स को देखा है, लेकिन उस रात जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सपना था। आज भी जब कभी मुझे वो हादसा याद आता है या वो वाकया मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से एक 5 फीट की लड़की इतने ताकतवर इंसान का कत्ल कर सकती है। बेटा मैं बाबा। वो मेरा बाप नहीं है। गोविंद, काजल, मुर्गन, मेरे को ये तीनों चाहिए। गोला मुझे। इंस्पेक्टर नायक ने जब नेहा के आई बाबा से कहा कि उनकी बेटी ने एक वॉचमैन की हत्या की है तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर को भी ये गुमान था कि ये नेहा का काम नहीं है, पर सारे सबूत उसके खिलाफ थे। वॉचमैन की बॉडी पर उसके फिंगरप्रिंट्स, उसके दांतों से वॉचमैन की खाल और खून के ट्रेसेस मिले थे। यहाँ तक कि खुद नेहा ने कन्नड़ में इस बात का दावा किया था कि उसने ही वॉचमैन को मारा है। उसे कोई मानसिक बीमारी तो नहीं थी, बल्कि हम तो इस बात से हैरान थे कि वो इतनी अच्छे से कन्नड़ भाषा कैसे बोलती थी। न ही उसने कभी कन्नड़ भाषा सीखी थी और न ही उसका कोई कन्नड़ दोस्त था। मैं हैरान था कि कैसे उस एक आम सी दिखने वाली लड़की ने अपने से बड़े आदमी को मार डाला। उसकी इस कंडीशन को देखकर उसके माँ बाप भी उसके लिए कहने लगे थे कि जब भी वो हमारी तरफ देखती है तो वो हमें अपनी बेटी नेहा दिखाई देती है। इंस्पेक्टर नायक को इस बात का पता था कि अगर इस केस का कोई सुराग मिल सकता है तो कॉलेज से ही मिल सकता है। नायक ने सख्ती से छानबीन शुरू की। विक्रम और राज ने कबूल किया कि उन्होंने ही नेहा को 302 में भेजा था क्योंकि वो रूम हॉन्टेड था। फिर उस कमरे के बारे में कई कहानियां सुनी, पर मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी कि अगर नेहा को वो हुआ जो मैं सोच रहा हूँ, इसका मतलब वो बेकसूर है और उसके बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई ये टेस्टिमनी दे कि वो रूम हॉन्टेड है, क्योंकि कानून ने भूतों के लिए कोई लॉज नहीं बनाए हैं। रूम नंबर 302 के बारे में जानने के लिए इंस्पेक्टर नायक पुराने स्टाफ मेंबर्स, एक्स स्टूडेंट्स, अथॉरिटीज और ट्रस्टीज से बात करने लगे। कुछ लोगों ने बयान देने से मना कर दिया, कुछ लोगों की कहानियां धुंधली हो चुकी थी और कुछ लोगों ने उसे अफवाह कहकर हवा में उड़ा दिया। खैर, अलग अलग बयानों को जोड़कर 302 की असली कहानी जो सामने आई वो ये थी। आज से 10 साल पहले 302 रूम एक मेट्रन का हुआ करता था। कहा जाता है कि कॉलेज की अब तक की सबसे स्ट्रिक्ट मेट्रन थी वो अरुणा, जिसे सबक सिखाने के लिए 3 स्टूडेंट्स गोविंद, राजन और मुरुगन ने वॉचमैन के साथ मिलकर
छुट्टियों पे जाने से पहले उसे रूम में बंद कर दिया था। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि हॉस्टल बंद होने की वजह से अरुणा को उस रूम से निकालने वाला कोई नहीं था। अरुणा ने इसी रूम में चिल्ला चिल्ला कर दम तोड़ दिया। पुराने रिकॉर्ड से ये पता चला कि मेट्रन भूख के मारे अपना ही हाथ खाने लगती थी। नेहा पर इस वक्त न किसी मेडिसिन का न ही किसी थेरेपी का असर हो रहा है। She's getting out of control. I think उसे शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सुनिए, ऐसा मत कीजिए, कुछ नहीं होगा हमारे नेहा को। अंकल, I'm sorry, नेहा को उस रूम में मैंने ही भेजा था। I'm sorry अंकल। अंकल प्लीज मेरी बात तो सुनिए अंकल। अंकल प्लीज मुझे सजा दीजिए अंकल। अंकल प्लीज। इधर नेहा की हालत बद से बदतर हो रही थी, तो उधर उसके पेरेंट्स इस चिंता में डूबे हुए थे कि कब उनकी बेटी ठीक हो पाएगी। इंस्पेक्टर नायक को भी नेहा अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगी थी। तभी इंस्पेक्टर नायक ने कुछ लोगों से कंसल्ट करके एक अकल्टिस्ट को बुलाया। इस हादसे से पहले शायद ना ही इंस्पेक्टर और ना ही नेहा के पेरेंट्स ऐसे किसी अकल्ट साइंस में बिलीव करते हैं, पर नेहा की हालत को देखते हुए वो कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार थे। রেকর্ড করুন আপনার রহস্যময় ভৌতিক অভিজ্ঞতা ভিডিও অথবা অডিও, পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে 01960419975। আপনার ঘটনা দেখানো হবে আমাদের চ্যানেলে।